दोस्तों आज आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसा न्यूज़ जो कि आप लोगों को सुनकर खुशी भी हो सकता है और थोड़ा सा झटका भी लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, मिक्स कंटेंट हो सकता है ये वीडियो, क्योंकि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देखा है कि RBI ने जो है लाइसेंस कैंसिल कर दिया एक बैंक का। जी हाँ दोस्तों, एक बैंक का लाइसेंस तो कैंसिल हुआ है, तो यहाँ पर अगर बैंक का लाइसेंस कैंसिल हुआ है तो झटका किस तरीके से लग रहा है, ये तो एक गुड न्यूज़ होने वाला है। अगर आपने लोन लिया है तो यहाँ पर आप लोगों को चुकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर झटका कैसे लगने वाला है वो मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पूरा एंड तक देखिए बिना स्किप किए। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक ऐसा न्यूज़ जो कि कल ही मिला है मुझे, और उसमें ये बताया जा रहा है RBI ने जो है कैंसिल किया है बैंक का लाइसेंस। अब ये बैंक कहाँ पर है स्थित वो आप लोगों को बता दूँ। अगर आप UP के रहने वाले हो तो आप लोगों को बता दूँ UP का एक बैंक जो है कैंसिल हुआ है उनका लाइसेंस। और अगर यहाँ पर आपने पैसा रखा है और लोन लिया है, लोन अगर लिए हो उससे चुकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पैसा अगर आपने रखा है वहाँ पर तो लाइसेंस कैंसिल होने की वजह से वहाँ पर लाइसेंस क्यों कैंसिल हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अगर मानो आप लोगों ने पैसा रखा है 5 लाख से ऊपर है, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ इस तरीके का अमाउंट अगर है उस बैंक में, तो आप लोग समझ लो आप लोगों का पैसा डूब गया। यहाँ पर आप लोगों को 5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर RBI कुछ ऐसा ही चीज़ें बता रहे हैं वो मैं आप लोगों को लाइव बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों मैं अपने फोन के स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ आखिर वो न्यूज़ क्या है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीनशॉट में, यहाँ पर लिखा है RBI ने इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, आपका भी अकाउंट तो इसमें नहीं, मतलब यहाँ पर एक खतरा आप लोगों को हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा जा रहा है कर जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी नियम से सिर्फ 5 लाख रुपए तक अपने जमा राशि पाने का हकदार होगा। RBI ने कहा कि अगर बैंक को आगे भी बैंकिंग कार्रवाई जारी रखने का अनुमति दी गई तो इससे जनहित पर विपरीत असर पड़ेगा। आप लोगों को पता होगा कि अगर मानो कोई भी बैंक बंद हो जाता है, बैंकरप्सी हो जाता है, तो वहां पर अगर आप लोगों ने पैसा रखा है 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख जितना भी अमाउंट रखा है, तो समझ लो आप लोगों का पैसा पूरा डूब जाएगा। वहां पर सिर्फ आप लोगों को मिलने वाला है जो कि एक इंश्योरेंस के थ्रू वो मिलेगा आप लोगों को सिर्फ 5 लाख। तो आप लोग समझ लो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप लोगों ने 10 हज़ार रखा है, 1 लाख रखा है तो आप लोगों को 5 लाख मिल जाएगा। जितना अमाउंट हाईएस्ट होगा उसके हिसाब से आप लोगों को 5 लाख मिलेगा। अगर मानो अमाउंट कम है आपका तो आपको वही अमाउंट मिल जाएगा वापस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो यहाँ पर बैंक में पैसा रखना भी जो है अभी सेफ नहीं है। बैंक में अगर आप लोग पैसा रख रहे हो लेकिन यहाँ पर अगर कभी भी कुछ भी ऐसा हो जाता है तो यहाँ पर आप लोगों का पैसा टोटली डूब जाएगा। भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। मतलब जो भी बैंक में पैसा रख रहे हैं लोग, उसका जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक में पैसा आप लोग रखते हो, अब वो पैसा रखने पर आप लोगों को इंटरेस्ट देता है, वो इंटरेस्ट आप लोगों को कहाँ से मिलता है? क्या वो बैंक अपने जेब से देता है? नहीं, वो पैसा किसी दूसरे जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। जो भी पैसा आप लोग वहाँ पर रखते हो वो पैसा सेफ तरीके से रखने का वो लोग बाधा करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि लोन हो गया, कोई प्रॉपर्टी डील हो गया, कोई बिजनेसमैन को दे दिया, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, बहुत सारे चीज़ों से वहाँ पर जुड़ के छोटे छोटे अमाउंट जो है बैंक को मिलता है, और उससे क्या होता है बैंक को भी प्रॉफिट होता है और साथ ही साथ आप लोगों को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट के तौर पर आप लोगों को भी दे देता है, ताकि आप लोग भी वहाँ पर पैसा रखो। अगर मानो आप लोग पैसा है वहाँ पर आप लोगों को नहीं मिलेगा तो आप बेफालतू में उनको पैसा क्यों दोगे आपका पैसा? तो यहाँ पर आप लोगों को रखने के लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे देता है, और वही पैसा लगाकर, मतलब दूसरे का पैसा लगाकर वो अपना काम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनके पास उतना रकम नहीं था कि वो अपना इनकम कर सके, या फिर जो भी है अगर कुछ हुआ होगा गलत चीज़ जिसकी वजह से वो पेमेंट मतलब वापस भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है। खबर के मुताबिक परिसमापन के तहत हर जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम से सिर्फ 5 लाख रुपए तक अपने जमा राशि पाने का हकदार होगा। RBI ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के आंकड़े को अनुसार लगभग 99.51% जमाकर्ता से अपनी पूरी जमा राशि पाने का हकदार है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 99.51% लोग जो है पूरा अमाउंट ले सकता है, यहाँ पर हकदार है ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा ऐसा जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि बैंक का ही रूल्स है वो। अगर कोई भी बैंकरप्सी होता है तो वो बैंक आप लोगों को कोई भी पैसा देने वाला नहीं है, सिर्फ 5 लाख की इंश्योरेंस कंपनी है उन लोगों को, मतलब जो भी बैंक में डिपॉजिट करते हैं उनको पैसा मिलेगा 5 लाख की। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक अपने वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं और पूरा भुगतान करने का असमर्थ है,
आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी कमाई संभावना नहीं है, अगर बैंक को आगे भी बैंकिंग कार्रवाई के जारी रखने के लिए अनुमति दी गई तो इससे जनहित पर विपरीत असर पड़ सकता है। मतलब क्या है, अगर मानो ये बैन अगर रोक दिया गया, अगर बोला गया कि हाँ तुम लोग जो भी है बैंकिंग सेवा जो है दे सकते हो, इसमें आप लोगों का दिक्कत होगा क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर डिपॉजिट करने जाएगा और क्या होगा, इन फ्यूचर जो भी है उन लोगों का लॉसेस होगा। तो इसीलिए जो है ये फैसला लिया है कि उस बैंक को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी है उत्तर प्रदेश का बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, समय समय पर सहकारी बैंक की समीक्षा करते हैं। कई बड़ी खामी पाए जाने के बाद आरबीआई इन बैंकों के खिलाफ एक्शन लेता है। इससे पहले कुछ भी बैंक पर कार्रवाई हुई है, उनके बैंक लाइसेंस का कैंसिल किया गया है। इस तरीके की चीज़ें जो यहाँ पर लिखा गया कि बहुत ज़्यादा जो भी है इन्वेस्टिगेशन वगैरह करता है, अगर कोई भी बहुत बड़ा खामियाँ दिखने को मिलता है, मतलब प्रॉब्लम्स है, कोई भी दिक्कत है, तो वहाँ पर बैंक के ऊपर आरबीआई एक्शन ले लेता है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है और गुड न्यूज़ क्या है, अगर मानो आपने लोन लिया इस बैंक से, बैंक अगर है तो आप लोगों को लोन प्रोवाइड जरूर से जरूर किया होगा, तो अगर लाइसेंस कैंसिल हुआ है, मतलब जितने भी लोन कंपनी से आपने लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, अगर मानो आप लोगों को सुनने को मिलता है लाइसेंस रद्द हो गया है, कैंसिल हो गया है, मतलब आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। अगर आपने लोन लिया है तो आप लोगों को एक भी पैसा वापस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास लाइसेंस ही नहीं रहा, वो लोग आप कुछ भी कर नहीं सकता, चाहे कोई भी कुछ भी बोले भाई ये करेगा, एक्शन लेगा, एक्शन ये करेगा, लेकिन आप लोग समझो एक्शन कौन ले सकता है, अगर वो आरबीआई से लाइसेंस्ड होगा तभी वो एक्शन ले सकता है, अगर आरबीआई से लाइसेंस नहीं मतलब वो फर्जी हो चुका, फर्जी लोन एप्लीकेशन जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके का चीज़ हो गया ना, कोई भी यहाँ पर उसका वैल्यू नहीं रहा, तो वैल्यू अगर नहीं रहा तो वो लीगल एक्शन कैसे लेगा। आरबीआई के साथ जब तक रहेगा वो लीगल एक्शन ले सकता है, लेकिन अगर नहीं रहेगा तो वहाँ पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा। और यहाँ पर मुसीबत, मतलब जो ख़राब चीज़ है वो है, अगर मानो आप लोगों ने पैसा रखा है ये सब बैंकों में, अगर मानो कि कोई भी लाइसेंस रद्द हो जाता है तो आप लोगों का पैसा मतलब पूरा डूब जाएगा, आप लोगों को सिर्फ 5 लाख ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अगर मानो ये सब जो भी बैंक है इससे अगर पैसा रख रहे हो तो एक काम करो, अलग अलग बैंकों में करना क्या है वो बता रहा हूँ आप लोगों को, सेफ रखना होगा तो अलग अलग बैंकों में कम कम अमाउंट आप लोग पैसा डिपॉजिट करो, ताकि कभी भी ऐसा कोई भी सिचुएशन आए तो वो पैसा आपको मिल जाए, पूरा पैसा आप लोगों का डूब ना जाए। आप लोगों को करना क्या है, मानो कि आपके पास 25 लाख है, ठीक है, या फिर 20 लाख है, आप एक काम करो 3-4-5 बैंक अकाउंट खोल लो और अलग अलग जगह पर 5 लाख 4 लाख इस तरीके करके आप वहाँ पर रख दो, क्योंकि 5 लाख जो है मिनिमम अकाउंट है। अगर कोई भी बैंक रखे जाता है, कोई भी दिक्कत होता है, लाइसेंस कैंसिल होता है, आपका पैसा आपको मिल जाएगा सेफली। ये एक अच्छा जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जांपल दिया कि आप लोग कैसे इसे बच सकते हो, अगर मानो इन फ्यूचर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है तो दिक्कत आप लोगों को होगा, क्योंकि आप लोगों का मेहनत किया हुआ पैसा आप लोग वहाँ पर सेफली रखते हो, अगर वो पैसा डूब जाता है तो नुकसान आप लोगों का होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, 5-6 अलग अलग बैंक अकाउंट बनाओ, उसमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा रखो, कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके की जानकारी मिला होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले, तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।